डिस्कस करेंगे क्लैंपिंग डिवाइसेस के बारे में। क्लैंपिंग डिवाइसेस किस किस तरह के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। क्लैंपिंग डिवाइस होते क्या हैं जो क्लैंप करने के काम आते हैं। क्लैंप मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के काम आते हैं। जो हमारे वर्क पीस होते हैं जिनके ऊपर हम वर्किंग करते हैं तो उनके लिए क्लैंपिंग डिवाइसेस बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि वो स्टेबल रहें ड्यूरिंग द वर्किंग, जब हम वर्किंग कर रहे हों किसी वर्क पीस के ऊपर। तो सबसे सिंपल जो क्लैंपिंग डिवाइस है जो हर जगह आपको हर वर्कशॉप में मिलता है वो होता है बेंच वाइस। ये आपने देखा भी होगा, बेंच वाइस होता है जो बेंच के ऊपर लगा होता है। इसके अंदर एक फिक्स जा होता है और एक मूवेबल जा होता है जो वर्क पीस को पकड़ने के काम आता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका बेंच वाइस होता है जो फिटिंग जॉब में या वेल्डिंग जॉब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेंच वाइस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। और काफ़ी तरह के हमारे पास क्लैंपिंग डिवाइसेस होते हैं, तो वो किस किस तरह के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। कुछ मेनली हमने डिवाइसेस यहाँ पे ड्रा किए हैं। सबसे पहला है स्क्रू क्लैंप। स्क्रू क्लैंप, स्क्रू क्लैंप कौन से होते हैं जिनके अंदर हम स्क्रू का यूज़ करते हैं क्लैंपिंग के लिए। ये हमारे बहुत ही लाइट वर्क के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो डायग्राम बनाए गए हैं, इसके अंदर एक स्क्रू है जो क्लैंपिंग के काम आएगा और इसके अंदर दो स्क्रू हैं इन दोनों फिगर में। यहाँ पे ये जो पिंस हैं ये कौन सी पिंस हैं जो हमने पीछे डिस्कस की थी, ये हैं लोकेटिंग पिंस। ये लोकेटिंग पिंस किस काम आती हैं, वर्क पीस को लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एक पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये लोकेटिंग पिंस हैं, इसके अंदर भी ये लोकेटिंग पिंस हैं। ये जो है ये है जिग और फिक्स्चर बॉडी जिसके अंदर ये लोकेटिंग पिंस लगाई गई हैं। ये और ये जिग और फिक्स्चर बॉडी हैं, इनके अंदर लोकेटिंग पिंस हैं। और ये है वर्क पीस, ये जो येलो कलर का है ये वर्क पीस है। इस वर्क पीस को हमने जिग और फिक्स्चर के अंदर रखा, जिग या फिक्स्चर के अंदर लोकेटिंग पिंस से उसको एक रिक्वायर्ड पोजीशन दी और स्क्रू के साथ हमने उसको टाइट कर दिया, मींस उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया, क्लैंप कर दिया। तो इजीली हम स्क्रू क्लैंप का यूज़ कर सकते हैं लेकिन बहुत ही लाइट वर्क के लिए। इसी तरह से हम दो स्क्रू का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें थोड़ी और टाइट क्लैंपिंग चाहिए, तो स्क्रू क्लैंप इस तरह से काम करता है। दूसरा है हमारे पास हुक क्लैंप, इसको हम बोलते हैं हुक क्लैंप। जो इनके नेम हैं वो अकॉर्डिंग टू इनकी फिगर के और अकॉर्डिंग टू इनके डिज़ाइन के नाम से इनको दिए गए हैं। जैसे इसके अंदर ये हुक यूज़ की गई है इसलिए इसको बोला गया है हुक क्लैंप, या इसको हम हुक बोल्ट क्लैंप भी बोलते हैं। हुक बोल्ट क्लैंप मतलब इसके अंदर बोल्ट भी यूज़ किया गया है। जो हमारा हुक या बोल्ट आप इसको बोल सकते हैं, इसके अंदर थ्रेड कटे होते हैं। जो हमारा बोल्ट है उस बोल्ट को हम इसके अंदर से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ये जो बोल्ट है ये सारा इसके ऊपर थ्रेड कटे हुए हैं और इसको इसके अंदर से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। मीन्स हम हुक की लंबाई को या हम कह सकते हैं हाइट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ये क्या है, ये जिग और फिक्स्चर बॉडी हो गई हमारी जिसके अंदर ये हमारा बोल्ट लगा हुआ है सारा, जिसके आगे एक हुक बनाई गई है। इसके अंदर नट और बोल्ट मैकेनिज्म काम करता है। जैसे यहाँ पे ये नट का काम करेगा और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे और ये इसके अंदर से जिग और फिक्स्चर की बॉडी के अंदर से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये है वर्क पीस। तो इस तरह का अगर वर्क पीस है तो हम हुक के थ्रू उसको क्लैंप कर सकते हैं। तो ये भी हमारा लाइट वर्क के लिए काम आता है। तीसरा है हमारा ब्रिज क्लैंप। ब्रिज क्लैंप, ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक तरह का पुल। तो इसके अंदर क्या है, ये ब्रिज का काम करता है। ये जो चीज़ है ये एक ब्रिज है, ब्रिज का काम करेगा। ये जिग और फिक्स्चर बॉडी हो गई और ये है हमारा वर्क पीस जो येलो कलर का है। ये है हमारा जो इसको टाइट रखेगा नट,
ये नट जब हम टाइट करेंगे तो इसको टाइट कर देगा इस ब्रिज को। तो यहाँ से इसको सपोर्ट दी गई है इस ब्रिज को, और यहाँ से ये वर्क पीस को पकड़ लेगा। तो इस यहाँ से हम उसको टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका स्प्रिंग लगा हुआ है ताकि जो स्प्रिंग है इसको एक रिपल्सिव फोर्स भी दे और एक इसको स्मूथ फोर्स भी दे ताकि इजीली अच्छी तरह से ये क्लैंप हो सके। तो ये है हमारा ब्रिज क्लैंप। इसके अंदर एक तरह का ब्रिज यूज़ किया जाता है वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। आगे है हमारे पास हील क्लैंप, इसको बोलते हैं हील क्लैंप। हील मतलब ऊंचाई किसी चीज़ की, तो ये यहाँ पे इसको हील प्रोवाइड की गई है। ये है हील, इसको एक ऊंचाई प्रोवाइड की गई है। ये है वर्क पीस और ये है हमारा नट जो कि इसको टाइट करने के काम आएगा वर्क पीस के ऊपर। तो यहाँ पे हील प्रोवाइड की गई है, जैसे यहाँ ब्रिज क्लैंप था इसी तरह से यहाँ पे हमने हील प्रोवाइड की है ताकि हम इसको इजीली जो वर्क पीस है उसको क्लैंप कर सकें। इस नट की हेल्प से इसको टाइट करके अच्छी तरह से हम क्लैंप कर सकते हैं। ये जो हील की ऊंचाई है वो हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे हील्स को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क पीस। तो ये हील क्लैंप है जो वर्क पीस को होल्ड करने के काम आता है। उसके बाद है लैच क्लैंप, इसको हम बोलते हैं लैच क्लैंप या फिर हम इसको बोलते हैं स्विंगिंग स्ट्रैप। स्विंगिंग स्ट्रैप, स्विंगिंग मतलब जो स्विंग करता है। तो ये क्या है, इस तरह का हमारे पास क्लैंप होता है। इसको हम इस डायरेक्शन में जब घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये ओपन हो जाता है, और जब इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है, हमने इसको लगाया और ऊपर से नट टाइट कर दिया तो ये क्लैंप हमारा टाइट हो जाता है। इस फिगर में देखिए, ये है जिग और फिक्सचर बॉडी, ये है वर्क पीस और ये है हमारा लैच क्लैंप, या फिर लैच बोल सकते हैं इसको, या फिर स्विंगिंग स्ट्रैप आप इसको बोल सकते हैं। इसका टॉप व्यू ये दिखाया गया है, जब आप इसको इस तरह से घुमाओगे तो ये उधर चला जाता है। इसको थोड़ा सा लूज़ करके नट को हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेते हैं, जिससे हम वर्क पीस को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हम स्ट्रैप को उसी पोजीशन पे लाते हैं और इस नट को टाइट कर देते हैं, तो वर्क पीस हमारा क्लैंप हो जाता है। तो ये क्या है, इजीली क्लैंपिंग डिवाइस है कि हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमारा स्विंगिंग स्ट्रैप है उसको एक टर्न देने के बाद नट को इसको निकाल लेना है और वर्क पीस को रिप्लेस करके इस नट को टाइट कर देना है। तो ये जल्दी से जल्दी काम करने के लिए क्लैंप बनाया गया है। इसी तरह से हमारे पास है सी क्लैंप जो कि जल्दी से जल्दी वर्क पीस को चेंज करने में हेल्प करता है। तो इसकी जो सी की तरह की आकृति है तो इसलिए इसको सी क्लैंप बोला गया है। इसके अंदर क्या है, सी क्लैंप के अंदर जैसे नट है, यहाँ पे नट से आगे ये सी क्लैंप लगा होता है, यहाँ पे सी क्लैंप लगा है ये वाला, यहाँ पे हमारा वर्क पीस होता है, हम वर्क पीस को हेल्ड करते हैं। जो हमारा वर्क पीस है उसके अंदर इतना बड़ा होल होता है, जब क्योंकि ये जो सी क्लैंप है ये होल वाली चीज़ों के लिए ही यूज़ होता है, तो हमने इसको सी क्लैंप लगाया, ऊपर नट ये टाइट कर दिया। जब हमें ये रिप्लेस करना है तो हम नट को खोलेंगे, एक टर्न देंगे और सी क्लैंप को बाहर निकाल लेंगे। जब सी क्लैंप हम बाहर निकालेंगे तो ये पूरा वर्क पीस नट के ऊपर से ही बाहर आ जाता है। तो दोबारा से जब हम वर्क पीस को डालेंगे, दूसरा वर्क पीस डालेंगे, हम सी क्लैंप लगा देंगे और नट को टाइट कर देंगे। तो इसमें हमें फ़ायदा क्या है इस क्लैंप में, कि जो हमारा वर्क पीस है उसके अंदर इतना बड़ा होल होता है कि वो नट के ऊपर से ही बाहर आ जाता है और उसके ऊपर से ही अंदर चला जाता है। हमें सिर्फ सी क्लैंप को लगाना और हटाना है, तो ईजिली हम जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं वर्क पीस को वर्किंग के लिए। तो इस तरह के मेनली जो क्लैंप हैं हमारे क्लैंपिंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं क्लैंपिंग के लिए। तो ये थे कुछ मेन क्लैंपिंग डिवाइसेस। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।